हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम दयानंद कुमार फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। आप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास क्या चीज का होने वाला है। लाइट का चल रहा था, लाइट में जहां तक बताया था उसके बाद बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है। आप देखोगे पता चल जाएगा, अगर आप पूरा क्लास अटेंड कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लास से प्रश्न आती है या नहीं आती है। तो हम आप सबसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस लिंक को सभी ग्रुप में सभी जगह पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा और इसके बाद आप एक बार पहले आराम से सुन लेना मेरी बातों को और उसके बाद आराम से उतार लीजिएगा पॉज करके। चलिए तो शुरुआत करते हैं वही कोटेशन के साथ। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है, चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरी पैर साथ दे तो और बात है। संघर्ष अगर जितना कठिन करोगे ना उसी का परिणाम आपको दिखाई देगा, नहीं तो इस लकीर के बदौलत अगर बैठ गया तो आपको उतना ही मिलेगा जितना इस लकीर में लिखा हुआ है। लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। चलिए आपके समय को बर्बाद न करते हुए आज की टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और पढ़ना है क्या जी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम लोग देखते हैं कि व्हाइट लाइट जो देख रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी आकाश में सेवन कलर का निर्माण हो जाता है, किस प्रकार से निर्माण हो जाता है, किसी भी व्हाइट का थी शीशा से या प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न कलर दिखाई देता है। आखिर इसका कारण क्या है, ये जो व्हाइट लाइट सूर्य से निकल रही है या फिर हम लोग घर में जला रहे हैं या व्हाइट कलर का कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ व्हाइट रंग का नहीं होता, वो सेवन कलर के मिलने से बनता है, व्हाइट रंग का निर्माण होता है। अब वो किस कारण से होता है, वही टॉपिक है मेरे पास जिसका नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन को ही हम लोग सेपरेशन भी बोलते हैं या सेपरेशन ऑफ लाइट भी दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हो। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाई अ ग्लास प्रिज्म, जब हम किसी भी व्हाइट लाइट को अगर किसी ग्लास से या किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वहां से किस किस प्रकार का लाइट हमको दिखाई देता है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला डिस्पर्शन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रश्न तो यही है कि डेफिनेशन इसका क्या है। तो देखिए, वेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट या व्हाइट लाइट बोल सकते हो या इसी के जगह पर आप सनलाइट भी बोल सकते हो, वेन अ रे ऑफ सनलाइट या वेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट कुछ भी बोल सकते हो। वेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इंटर्स अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म का मतलब कि एक मीडियम से आ रहा था, हवा में था लाइट और उसको जब ग्लास प्रिज्म में इंटर कर दिया यानी डेंसर मीडियम में चला गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया यानी डेंसर मीडियम, उसी को बोल रहे हैं ग्लास प्रिज्म। ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया है क्या चीज कि एक मीडियम से लाइट कहां जा चुकी है, दूसरे मीडियम में जा चुका है यानी डेंसर मीडियम में जा चुका है। इट इमर्ज आउट फ्रॉम इट ब्रोकन इनटू सेवन कलर्स, जब उसमें ओवर लाइट पास करती है ग्लास प्रिज्म में और वहां से जब वो बाहर निकलती है तो वो भिन्न भिन्न रंगों में विखंडन हो जाता है, भिन्न भिन्न कलरों में टूट जाता है और वो सेवन कलर में टूट जाती है। यानी कि हमने बताया क्या चीज, किसी अगर सनलाइट की प्रकाश भी अगर आपको जैसे खिड़की आपके घर में होगा वहां से अगर लाइट आ रही है तो एक चीज तो आपको पता होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है यानी सरल रेखा में गमन करती है, ये तो आपको पहला ही बता दिया था। आप वहां पर अगर किसी भी ग्लास को या ग्लास प्रिज्म को रखोगे तो आपको घर में दिखाई देगा कि उससे जो लाइट होकर जो पास किया ग्लास प्रिज्म से जो बाहर लाइट निकल रही है वो सेवन कलर में विखंडित दिखाई देगा यानी सेवन कलरों में बटा हुआ दिखाई देगा, एक रंग में नहीं सात रंगों में दिखाई देगी। तो वही बात हम लिखे हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आपको याद रखना, वेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट या सनलाइट इंटर्स अ ग्लास प्रिज्म या इसी को डेंसर मीडियम भी बोल सकते हो, डेंसर मीडियम बोल दो या तो ग्लास प्रिज बोल दो। इट इमर्ज आउट फ्रॉम इट्स ब्रोकन इनटू सेवन कलर, जब वह लाइट ग्लास प्रिज्म में इंटर्स करती है, प्रवेश करती है तो वह सात कलरों में
विखंडित हो जाती है, बट जाती है। दिस फेनोमेनन ड्यू टू विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट्स आर सेपरेटेड बाई अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन, या इसी को सेपरेशन बोलते हैं। यह घटना इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से आ रही थी तो हमें उसमें कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो लाइट वह ग्लास प्रिज्म में इंटर करता है और वह वहां से यानी कि डेंसर मीडियम में जब इंटर करता है और वहां से जो लाइट बाहर निकलती है तो वह सात रंगों में विखंडित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, बट जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या था? वह दूसरा मीडियम, पहला मीडियम नहीं, दूसरा मीडियम इसका मेन रीजन था। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते, डिस्पर्सन या फिर तुम सेपरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेपरेशन भी इसी, सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट का मतलब क्या? अलग अलग हो जाना। हमने भेजा था एक चीज, जैसे कि शीशा है, बॉल आप देख रहे हो, वो था मेरे पास एक चीज, उसको जैसा ही छोड़ दिया, दूसरे मीडियम से टकराया तो कितना भागों में टूट जाता है, वो विस्तार हो गया, अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, उसी को तो बोल रहे हैं डिस्पर्सन। उसी जैसे हम लोग पानी लिए हुए, पानी को अगर हम कहीं पर गिराएं तो छिटे छिटे होकर कहां कहां तक वह सेपरेट हो जाता है, उसी को बोल रहे हैं डिस्पर्सन। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। और पांच नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डिस्पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन आपको समझा दिया है, बाकी जो है वह फैक्ट है, सुनो और याद करो। इतना लाइन अगर न भी याद होता है लेकिन फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है? जहां पर आपको बताया जाएगा उसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अब इसके बारे में, ये तो था डिस्पर्सन का परिभाषा, अभी तो हमने अभी तक परिभाषा सीखा है, अब इसके में क्या एक्सप्लेनेशन है, इससे हमें क्या मिलती है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये हमको देखना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। देखिए, इट इज ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इन दी डेंसर मीडियम। जैसे कि यहां पर हम एक ग्लास प्रिज्म बनाता हूं, ये है मेरा ग्लास प्रिज्म, फिर बड़ा फोटो बनाऊंगा, अभी इसको समझा रहा हूं। ये है मेरा ग्लास प्रिज्म, इसको नाम दे देता हूं, ऊपर में ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये सी हो गया। अब कहा क्या थी? यह इसलिए ऐसा घटना घटती है क्योंकि यह जिस रफ्तार से यह लाइट जा रही थी, यहां से हम लाइट भेज रहा, यानी कि ये रेयर मीडियम था, इस यहां पर जब इंटर करेगा यानी डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये पूरा भ्रांत है, खाली नहीं ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ग्लास प्रिज्म पूरा भ्रांत होती है, आप देखा क्लास में दिखाया गया होगा आपको, ग्लास प्रिज्म ये पूरा जो भ्रांत, जैसे आप लोग देखोगे बॉल सेब खाए हो, सेब के अंदर खोखला नहीं होता है, उसी प्रकार से यह है ग्लास प्रिज्म। ये यहां से जब हम लाइट को भेज रहे हैं तो यह है मेरा रेयर मीडियम, और यहां पर जाएगी तो यह है मेरा डेंसर मीडियम, यानी यहां से लाइट हमको भेजे, ये लाइट हमेशा कैसे गमन करती है? स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। जैसे ही ये प्रिज्म के पास पहुंचा और प्रिज्म में इंटर किया, यानी कि इस लाइट को जाना चाहिए था इस सीधा इस प्रकार से जाकर बाहर निकल जाना चाहिए था, इस प्रकार से इसको निकल जाना चाहिए था, परंतु ऐसा घटना होता नहीं है, क्योंकि जब जैसे ही डेंसर मीडियम में लाइट प्रवेश करती है तो वो ये जो लाइट जो है वो सात रंगों में इस प्रकार से विभाजित हो जाता है, सात कलर में विभाजित हो जाता है, इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या था? डेंसर मीडियम। इसका मेन कारण क्या था? डेंसर। यहां पर प्रवेश करने के बाद ये लाइट को क्या कर देता है? ब्रोकन कर देता है। तो यही कारण यहां पर लिखा था, क्योंकि जिस रफ्तार से ये जा रही थी प्रकाश, रेयर मीडियम में जिस वेलोसिटी से जा रहा था, जिस वेग से जा रहा था, जिस स्पीड से जा रहा था, इस वेलोसिटी को ही स्पीड मानते हैं, जिस स्पीड से लाइट जा रही थी, यहां पर पहुंचने के बाद इसका लाइट क्या हो जाता है? कम जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड कहां होता है, डेंसर में कि रेयर में? तो उस स्थिति में आपको रेयर में बताना पड़ेगा, रेयर में इसकी स्पीड अधिक होती है लेकिन डेंसर में इसका स्पीड कम होता है, अभी बताएंगे इसको। अगला,
व्हाइट लाइट है 7 colors, नेमली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो व्हाइट लाइट के पास 7 color होता है कौन कौन, तो एक होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। याद रखना मेरे साथ बोल के, 7 रंग को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं होगा तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, उसको बताता हूँ। क्या चीज है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको याद करने का तरीका हमारे पास क्या है? भीप जियोर। क्या बोलोगे? भीप जियोर। क्या इसको पढ़ोगे? भीप जियोर। भी से बन गया वायलेट, आई से बन गया इंडिगो, बी से बन गया ब्लू, और जी से बन गया आपका ग्रीन, और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है क्या चीज, कि जब हम लाइट को डिस्पर्शन के समय क्या ब्लैक कलर का निर्माण होता है, काला रंग का निर्माण होता है, तो उस स्थिति में हमें काला रंग नहीं मिलती, ब्लू कलर मिलता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था SSC के एग्जाम में। तो याद रखना, ब्लैक कलर नहीं बनती है डिस्पर्शन के थ्रू, ब्लैक कलर का निर्माण नहीं होता, ब्लू कलर बनता है। उसको याद करने का, बी का मतलब ब्लैक मत याद कर लेना, बी का मतलब ब्लू होता है, बी का मतलब ब्लू होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करो, तो बोलना है भीप जियोर, भीप जियोर। भी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येल्लो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। ये 7 रंग में ब्रोकन हो जाता है, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट या सन का लाइट, सनलाइट। इस 7 color में, यानी कि हमको कहने का मतलब है क्या जी, कि व्हाइट कलर सिर्फ व्हाइट नहीं होता, उसमें 7 रंग होती है। व्हाइट कलर सिर्फ व्हाइट नहीं होता, उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों से वो व्हाइट कलर का निर्माण किया जाता है। इन एयर स्ट्राइकली इन वॉल्यूम लाइट वेव्स ऑफ ऑल कलर्स मीडियम देयर वेलोसिटी बिकम्स लेस एंड डिफरेंट। कहता है कि जब भी लाइट को एयर में भेजा जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि लाइट का जो तरंग है, यानी कि वेव्स जो है, जाने की गति जो है, वह सभी कलर का वेलोसिटी क्या हो जाता है? लेस, यानी अलग अलग हो जाता है। अब जैसे कि ब्लू का वायलेट का वेलोसिटी अलग होगा, इंडिगो का वेलोसिटी अलग होगा, ब्लू का वेलोसिटी अलग होगा। यानी कहने का मतलब है मेरा कि जब भी एयर में प्रवेश करेगी तो उस स्थिति में ये सबका स्पीड अलग अलग होता है, कम तो होता है परंतु डिफरेंट भी होता है, लेस तो होता है, लेस के साथ साथ अलग अलग भी होता है। रेड लाइट वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट एंड हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ तो 7 रंग में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके पास होता है और कौन सबसे तेज भागता है, तो सबसे तेज चलने वाला है रेड लाइट। रेड लाइट जो है सबसे तेज भागती है, यानी फास्टेस्ट चलने वाला है, ये तो है, लेकिन इसका वेलोसिटी भी अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। इन भी से कलर्स है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपको ऑप्शन में 4 गो में से, इस 7 में से कोई 4 गो दिया हुआ रहेगा, उस स्थिति में आपको बताना है रेड लाइट है मैक्सिमम वेलोसिटी, रेड के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। मैक्सिमम की चर्चा हो गई तो लेस का भी तो चर्चा होना चाहिए। तो देखिए, वायलेट के पास जो है वह बहुत स्लो चलती है, वायलेट कलर जो है वो धीरे धीरे चलती है, तो जो जाहिर सी बात है, जो धीरे धीरे चलेगा उसका वेलोसिटी भी कैसा होगा? मिनिमम होगा, यानी न्यूनतम होगा। तो सबसे न्यूनतम वेलोसिटी किसका होता है? वायलेट का। और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसका होता है? रेड का। सबसे मिनिमम किसका होता है? तो वायलेट। और सबसे मैक्सिमम किसका होता है? रेड का। अधिकतम पूछे लाल रंग का और सबसे कम पूछे तो वायलेट का। याद रहेगा, याद रखना यहाँ पर, यह है वायलेट। वायलेट लाइट्स का वेव जो है वो वेरी स्लो चलता है और इसका वेलोसिटी जो है सबसे कम होता है। यहाँ पर चर्चा हो रहा था एयर का,
यानी डेंसर मीडियम में इसका वेलोसिटी बहुत कम होता है। किसका? तो वायलेट कलर का। तो एक कथा था, इस कथा को तो इसमें से दो तीन प्रश्न आपको याद रखना है। पहला टिप क्या याद करवाए कि सातों रंग का याद कैसे करोगे, याद करने का एक ट्रिक बताया मैंने, भीप जियोर शब्द, एक शब्द तो याद रख सकते हो ना, आपको इतनी कथा नहीं याद होगी लेकिन एक शब्द तो याद हो जाएगा, भीप जियोर याद रखोगे आपको सातों कलर याद हो जाएगा, भीप जियोर याद रखोगे सातों कलर याद हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किस कलर का होता है? रेड का। और सबसे मिनिमम वायलेट का। ये तीन प्रश्न आपको चर्चा किया था यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, और बाकी बकवास है लेकिन फिर भी सुनना है, जहां से बनेगा याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ड्यू टू डिफरेंसेस और इन डेविएशन वेव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड आर सेड टू हैव बीन डिस्पर्स्ड, यानी डिस्पर्स को ही सेपरेटेड बोलते हैं, डिस्पर्स्ड व्हेन द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ फॉल ऑन अ व्हाइट स्क्रीन वी गेट अ सेवन कलर्स बैंड और लाइट, दिस कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, एक स्पेक्ट्रम का परिभाषा पूछा जा सकता है लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हमको चर्चा करना है। यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, तो यहाँ पर हम बताए क्या चीज कि जब भी, या इसलिए होता है, इसका मेन रीजन यह है कि जब भी हम किसी भी व्हाइट लाइट को किसी ग्लास में इंटर करवाते हैं, यानी कि प्रवेश करवाते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है कि वह ग्लास में प्रवेश करने के बाद वह उसका जो एक कलर था वो सात रंग में विभक्त तो हो जाता है, लेकिन सबका डायरेक्शन भी एक जैसा नहीं होता है, सबका डायरेक्शन डिफरेंट होता है। कोई इस तरफ की ओर भागेगा, कोई इस तरफ की ओर भागेगा, कोई सबसे नीचे भागेगा, यानी सबका डायरेक्ट, ये सात रंग जो देखो आप, ये सातों रंग का डायरेक्शन भी एक जैसा नहीं होती है, सातों रंग का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। यानी कि आपको यहां से एक प्रश्न और याद हो गया क्या चीज, कि आपसे पूछा जाए कि जब भी हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं यानी गुजारते हैं, तो जो लाइट सेवन कलर में विभक्त डिवाइड जो हो जाता है, क्या उसका डायरेक्शन सेम होती है? तो उस स्थिति में बताना है इसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, इसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है। याद रहेगा ना, सातों रंग का डायरेक्शन सेम नहीं होता, सातों रंग का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। दूसरी प्रश्न, जब डिफरेंट होता है तो अब हम बताए क्या चीज कि व्हेन द डिस्पर्स व्हाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ व्हाइट स्क्रीन वी गेट सेवन कलर्स। कहता है कि जब यह कारण है सातों रंग का डायरेक्शन डिफरेंट होना, तो इस स्थिति में जब हम किसी भी लाइट को फॉल करते हैं व्हाइट स्क्रीन पर, किसी भी लाइट को भेजते हैं एक व्हाइट स्क्रीन पर, तो उस स्थिति में हमें वह कितना कलर में दिखाई देता है? सेवन कलर में दिखाई देता है। कितने कलर में दिखाई देता है? सेवन कलर में दिखाई देता है। और इसी बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो, इस स्पेक्ट्रम को हम अभी फिगर बनाने वाले हैं, बड़ा यहां से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम बताते हैं। चलिए देखिए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, आप फोटो से आपको समझना है, ये फोटो यहां पर बना रहा हूं बड़ा करके। ये हमारे पास क्या चीज है, तो याद रखना, ग्लास प्रिज्म। ये क्या चीज है, बड़ा बनाना है आपको भी, और ना याद हो तो आपको एक मैथ के पेज पर बना के दीवार में सीधे चिपका देना। ये हमारा क्या है? ग्लास प्रिज्म। ये क्या चीज है हमारा? ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये खोखला नहीं है, ये मत समझना कि तीन डंडा है यहाँ पर, अब बीच में खाली है, ठीक है, प्रिज्म है। अब यहां से हमको क्या कर रहे हैं कि हम यहां से किसी भी व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म पर भेज रहे हैं,
और जानते हो लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। एक व्हाइट लाइट को यहां से भेजे, रेड लिखा हुआ है, रेड है तो मत रेड मत समझ जाना, व्हाइट है। होशियार है सबकी ना जी। ये क्या चीज है? व्हाइट लाइट। ये हमारा कैसा लाइट है? व्हाइट लाइट, ठीक है। अब जब इस यहां पर प्रवेश किया तो ये इसको इस साइड से सीधे निकल जाना चाहिए था, ऐसे करके सीधे इसको भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये है कमीना, ये तो ऐसे सुनने वाला थोड़ी है ना, ये ऐसे नहीं जाता है। ये जो है अंदरे में क्या करता है कि हम लोग सात भाई में बंटवारा कर लेते हैं, इस प्रकार से ये अलग अलग कहता है कि ऐसे करो, मम्मी पापा से अलग होकर जुदा हो जाता है। क्यों कर दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सात कलर में बढ़ जाता है, यानी कि इस प्रकार से वो दिखाई देगा। बाहर निकाल देते हैं, सात कलर में आपको दिखाई देगा। अब देखो यही ट्रिक को हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको क्या करना है, भी जीओर को नीचे से यहाँ पर लिख देना है। कैसे? तो नीचे हो गया भी, छोटा छोटा लिख रहे हैं, भी आई डी जी वाई ओ आर रियल भीप जियोर, ठीक है। ये हो गया भीप जियोर, सात कलर में ये जो व्हाइट लाइट है वो बढ़ जाती है। भी का मतलब क्या बताया? वायलेट। आई का मतलब क्या बताया? इंडिगो। बी का मतलब ब्लू, ब्लैक नहीं याद करना है, बी का मतलब ब्लू। जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। फिर से बोलो मेरे साथ, ई का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, ब्लैक नहीं, बार बार बोल दे रहे हैं याद रखना, बी का मतलब ब्लू। जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, आर का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड, याद रखना। ये है आपको ये फोटो, आपको जैसे ही परिभाषा आप लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे इसको आपको बना लेना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।